नाजरीन, अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। माशरे की खामियों को, सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद यूनुस, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। हफीजपेट इलाके में मुकामी आवाम को हो रही है परेशानी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शेर निगमपल्ली मंडल हफीजपेट प्रेमनगर इलाकों में मुसलसिल ड्रेनेज का पानी बह रहा है, जिसकी वजह से मुकामी आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार GHMC मुकामी कॉर्पोरेटर और MLA को शिकायत करने के बावजूद कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। ये गंदे पानी से कई लोग बीमार भी हो रहे हैं। मुकामी आवाम का कहना है कि जल्द से जल्द ये काम करवाए, वरना सारे लोग बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। देखना है कि GHMC इसमें क्या कार्रवाई करती है। शेख आसिफ के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। हेलो, नमस्कार अमली, हम प्रेमनगर न्यू हफीजपेट मेन रोड से बात कर रहे हैं साहब। ड्रेनेज का प्रॉब्लम इधर, ड्रेनेज पूरे भर के फुल रोडों पे जा रहा, भर के रोडों में जा रहा। मस्जिद को आना, मस्जिद भी आना, रोड पे से पब्लिक चलती रहती, ट्रैफिक जाम हो रही है। ऊपर से वाटर वर्क्स का जो काम चल रहा, पाइपलाइन डालने का, जहाँ बने वहाँ कुछ छोड़ दे रहे हैं, गड़े गड़े वैसी छोड़ दे रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो रही है। और गली किचड़ पूरा जमा आ रहा, उस किचड़ में से नमाजों को जाना, हम लोग उधर जाने वाले मंदिर में जाना, पब्लिक चलने वाली, छोटे छोटे बच्चे फिर रहे रोडों पर, कैसा फिरना इतनी किचड़ में। कोई GHMC वाले देख रहे नहीं, कोई कुछ कर रहे नहीं। GHMC वालों को बुला रहे, बोल रहे, लेकिन कोई कुछ आगे देख रहे नहीं, कुछ कर रहे नहीं। क्या करना हम लोग समझ नहीं आ रहा। MLA साहब को बोलना, किसको बोलना, कॉर्पोरेटर साहब को बोलना, समझ नहीं आ रहा। कंप्लेंट करें आप स्कूल के बच्चे? हाँ, कंप्लेंट करें हम भाई, किसको करें? GHMC कंप्लेंट करें, वो भी ठीक है, बोल रहे ग्रीवेंस नंबर दिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आते करते बोल रहे नहीं करे अभी तक। अब ड्रेनेज का पानी तो रोड पर फुल दो दो तीन तीन इंच पानी भरे हुआ रोड पर, उसके अंदर से चल रहे स्कूल के बच्चे पूरे डेली, सुबह शाम, सुबह देखो और शाम में देखो, स्कूल के बच्चे वो कीचड़ में से जा रहे हैं। इतना गलीज बदबू आ रही, मच्छर हो रहे, वो तो बहुत गलीज बदबू आ रही। अब वही बॉम्बे हम लोग रहना है, हम लोग कुछ साफ सफाई नहीं कर रहे, ड्रेनेज का पानी व्यवस्था नहीं कर रहे, और यह नल का जो खोद के रखे बड़ी लेन डाले उसको भी नहीं डाल रहे, वो मट्टी के कट्टे वैसे छोड़ के चले आ रहे। अब इसके अंदर कोई बच्चे गिर के मर गए, कुछ हो गया, तो कौन जिम्मेदार? कब से प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम 4-5 वर्ष से ये प्रॉब्लम है, और ये ड्रेनेज का प्रॉब्लम तो कम से कम 2 साल से है। ड्रेनेज यहाँ तो फुल भर के जा रहे हैं, ड्रेनेज का प्रॉब्लम तो 2 साल से है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। MLA साहब आ रहे हैं, कॉर्पोरेटर साहब आ रहे हैं, वही किचड़ में से आ रहे हैं, वही किचड़ में से आ रहे हैं, उसमें से जा रहे हैं, लेकिन उसको कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। मुझे लगता है MLA के अरकपुड़ी गांधी साहब MLA साहब हैं, यहाँ के कॉर्पोरेटर साहब भी आ रहे हैं, कॉर्पोरेटर साहब कॉर्पोरेटर हमीद पटेल साहब है, हमीद पटेल साहब भी आ रहे हैं, MLA साहब भी आ रहे हैं, आ रहे हैं, वही किचड़ में से आ रहे हैं, वही गलीज पानी में से आ रहे हैं, फिर उसी में से जा रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। क्या करना अभी तक 2 साल से सेम प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, पूरे बाहर बस्ती के पूरे लोग बीमार, और ये पानी का काम चल रहा, पानी के लाइना पूरे कट गए। अब इधर के लोगों को किसी को पानी नहीं आ रहा, कम से कम 15-20 दिन से पानी नहीं आ रहा, 20 दिन से पानी नहीं आ रहा, अब यकीन नहीं मानेंगे, 20 दिन से पानी, बोर के पानी से चला रहे लोग, पीने का पानी तो आ रहा ही नहीं। इन्हें कब तक काम करता है? अभी 1-1.5 महीने से ये काम कर रहा है बड़ी पाइपलाइन का, और कितने महीने काम करता हूँ, 1 पाव किलोमीटर भी नहीं है, 200-300 मीटर भी नहीं है उसके लिए, और 1 महीना लिए ऐसा दिख रहा हूँ, हल्लू काम कर रहा, और पूरे कुप्पे वैसे छोड़ के चले आ रहा, गड़े वैसे छोड़ दे रहा, ये मेघा वाला। अच्छा, अभी आप क्या चाह रहे? अभी हम लोग ये सफाई चाहिए, हम लोग को ड्रेनेज का पानी रोको, ड्रेनेज का पानी पूरा रोडों पे कितना जा रहा, पैरा पूरे उसमें ही डुबके आ रहे हैं, स्कूल के बच्चे उसी में से आ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, और लोग पूरे उसमें से चल रहे हैं, और आपके लीडर भी उसके अंदर से आ रहे हैं, कीचड़ में से ही आ रहे हैं पैरा रखे। क्या नाम आपका? मेरा नाम एजाज है, यही प्रेमनगर का रहने वाला हूँ, यही सामने सच की तलाश का नाम, आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।